मोदी 3.0 की तारीख तय। होते नहीं रहे इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। 400 पार वाला चुनौती पथ। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? 400 पार कराएंगे क्या? निकल पड़ा गारंटी का रथ। सुझाव पत्र हमारे तक 15 मार्च तक पहुंचेंगे, वह हमारा संकल्प पत्र बनेगा। भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रोक सको तो रोक लो। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी की गारंटी वाले रथ को हरी झंडी दिखाई तो एक तरह से विरोधियों को यही चुनौती दी। बीजेपी ने एनडीए के लिए 400 सीटों का आंकड़ा पहले ही तय कर लिया है, अब मोदी की गारंटी वाला रथ भी रवाना कर दिया गया है। दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। बीजेपी ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की ताकि लोगों के सुझाव से पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया जा सके। दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर अग्निवीर योजना पर सवाल उठा रहे हैं। इन तमाम चुनावी तैयारियों, सवालों, मुद्दों के बीच बीजेपी जल्दी ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें 150 उम्मीदवारों के नाम होने की संभावना है। वो आपको दिखा रहे हैं सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट में किन किन दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हो सकता है, गृहमंत्री अमित शाह का नाम हो सकता है, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनसुख मंडाविया, परवेश वर्मा, मनोज तिवारी, रमेश भदुड़ी के नाम इसमें हो सकते हैं। पहली लिस्ट में यूपी के उन सीटों के उम्मीदवार भी हो सकते हैं जहां बीजेपी को पिछली लोकसभा में हार मिली थी। आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे रुकेगा मोदी की गारंटी वाला रथ और कौन रुकेगा। पहले ही रिपोर्ट है। भी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 पार का दम भरते थे और अब उन्होंने तारीख बता दी है, तारीख अपने थर्ड टर्म की। जीत का जबरदस्त भरोसा है। मोदी के भरोसे को हकीकत में बदलने के लिए बीजेपी ने जोरदार तैयारी की है। बीजेपी ने एक संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की, जिसमें 15 मार्च तक लोगों से उनके सुझाव मांगे जाएंगे और फिर बीजेपी उन सुझावों को पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल करेगी। जो हमारा संकल्प पत्र तैयार हो रहा है उसके लिए सुझाव मांगने का काम, जनता जनार्दन को अपने साथ जोड़ने का और उनकी आकांक्षाओं को हम अगले 5 साल में पूरा करें, इसके लिए उनके सुझाव लेने का कार्य भी हम सब लोगों ने तय किया है, जिसे हम 15 मार्च तक पूरा करेंगे। पीएम मोदी बार बार लोगों को मोदी की गारंटी का भरोसा दे रहे हैं। जाहिर है इस बार चुनाव में मोदी की गारंटी की बड़ी भूमिका होगी। बीजेपी अध्यक्ष ने मोदी की गारंटी वाले पहिए लगाकर रथ भी रवाना किया है, जो देश भर में घूम घूम कर सरकार के काम को जनता तक पहुंचाएगा। वीडियो वैन्स के माध्यम से जो विकसित भारत की कल्पना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य किया, जिन बातों को उन्होंने देश में आगे बढ़ाने का काम किया और विश्व मित्र भारत के रूप में जो दुनिया में काम हुआ भारत के नेतृत्व की दृष्टि से, उन सारी बातों को भारत की जनता के सामने रखना इस वीडियो वैन के माध्यम से हम जरूर उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। बीजेपी ने मोदी गारंटी रथ यात्रा की शुरुआत की है तो एक यात्रा विपक्ष में भी चल रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों को भी जोड़ने की कवायद में वो जुटे हैं। रविवार को आगरा में 7 साल बाद यूपी के दो लड़के एक साथ दिखे। आज इस घटक के बाद
विपक्ष की मोर्चेबंदी तेज है, लेकिन बीजेपी सारी चुनौतियों को खारिज कर रही है। गठबंधन मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे उम्मीदवारों को जरूर जिताएंगे। कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी 400 सीटों तक कांग्रेस को लेकर गए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। अखिलेश जी तो मुलायम सिंह जी 89 में सीएम बने, भाजपा के समर्थन से, फिर भाजपा को झटका दिया, चौधरी अजीत सिंह जी को पटका दिया, वीपी सिंह जी को साथ दिए, फिर वीपी सिंह जी को झटका दिया, फिर चंद्रशेखर जी के साथ रहे उनको झटका, काशीराम जी के साथ रहे उनको झटका, पर अंततः 2012 में वो स्पष्ट बहुमत की सपा की सरकार बनाने में सफल होकर उन्होंने अखिलेश जी को दिया, वो 57 पे ले आए। तो मुझे लगता है कांग्रेस कुल गौरव और समाजवादी कुल कुलांगार, इन दोनों लड़कों का जो इतिहास है वो ये बानगी दे रहा है कि भविष्य क्या होगा। इस बीच सरकार के खिलाफ मुद्दों की तलाश कर रही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। खड़गे ने राष्ट्रपति को भेजी चिट्ठी में लिखा कि 1 मई 2022 तक इन युवाओं को विश्वास था कि उन्होंने अपने सपने पूरे कर लिए और उन्हें केवल अपनी ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया को खत्म करने और इसकी जगह पर अग्निपथ योजना लागू करने के फैसले से उनके सपने चकनाचूर हो गए। जो 1.5 लाख लोग जिनको क्वालिफिकेशन हो चुकी थी, फिजिकल हो चुका था, कोविड करके उनको आपने ज्वाइन नहीं करवाया और कोविड के बाद उनके साथ धोखा किया, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, आज वो सड़क पर हैं। 1.5 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती। फिर जो आप अग्निपथ स्कीम लाए हैं बिना किसी से सलाह मशविरा किए लाए, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, आपने देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया और नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया। लोकसभा चुनाव की लड़ाई रफ्तार पकड़ने लगी है। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल हो रहा है, तो बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर रही है। आज तक ब्यूरो। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपी, रामविलास गुट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभी तक आप लोगों से पूछा जा रहा था कि तारीख बताइए मंदिर कब वहां पर बनेगा, अब पीएम तीसरे टर्म की तारीख बता रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो गया? जी ये जनता के प्रचंड जनादेश के कारण मुमकिन हो गया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जनप्रियता के कारण मुमकिन हो गया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण मुमकिन हो गया। जिस तरह से जनता न केवल भारत में बल्कि समग्र विश्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को बरकरार रखती है, उसके कारण मुमकिन हो गया। हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक जिस तरह से सांगठनिक दक्षता के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, जिस तरह के हमारे तमाम मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है आर्निस देश के कल्याण के लिए जो है लगातार संघर्ष करते हैं और प्रयत्न करते हैं, उसके कारण ही मुमकिन हुआ है। ये जो रथ आपने निकाला, ये रथ क्या करेगा, ये इसमें क्या क्या होने वाला है? देखिए रथ किस तरह की कल्याणकारी योजनाओं का जो है क्रियान्वयन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने किया है, ये जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। हमारी जो है विकसित भारत यात्रा के संदर्भ में के माध्यम से भी पहली सरकार थी जिस सरकार के अधिकारी निकलकर तमाम जगहों पर पहुंचे और हमने क्या काम किया है लोगों तक बताया, फीडबैक लिया गया उनका कि अगर किसी योजना में किसी प्रकार की खामी रह गई है तो उस खामी को भी दूर किया जाए। इसी तरह से हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी वो भी निकलकर जो है भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों से आम जनों को अवगत कराने का कार्य कर रहे हैं। अब आप बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि उनकी यात्रा वर्सेस आपकी यात्रा को देखें तो इधर का आत्मविश्वास जो है वो तो एकदम 370 पार बीजेपी, 400 पार एनडीए, और अब तारीख भी पीएम बता रहे हैं कि जून में थर्ड टर्म शुरू हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है, कहां पहुंचा है यात्रा से? अंजना जी देखिए, हम तो बहुत स्पष्ट बात करते हैं, हम तो कहते हैं हमारा कॉन्फिडेंस तो हमारी जनता है और हमारी जनता का नेतृत्व का इंडिया गठबंधन है, और ये जो गठबंधन है जिस नीति पे, जिस नियम पे, जिस विजन पे टिका है वो हम अपनी बात कर रहे हैं। हम रोजगार परक विकास की बात करते हैं,
हम बात करते हैं महंगाई को खत्म करने की, हम बात करते हैं मणिपुर से लेकर के पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को आश्वस्त करने की कि साहब हम जो है उनका क्या नाम मान सम्मान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खो रहा है, क्या क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है। हाँ, हमारे पास विजन है, चूंकि हमारा ऐतिहासिक रूप से प्रूव्ड विजन है। हमने 1760 करोड़ रुपए के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दिया है। हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, हमने पीएसयू बनाए थे, हमने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए थे, परमाणु विखंडन किया था, हरित क्रांति दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की थी, हमने पंचायती राज सिस्टम लाया था। हम आज की डेट में युवाओं की उम्र जो है 18 साल की थी वोट देने की 21 साल से, हमने सबसे पहले इंग्लैंड से भी पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया था, हमने आरटीआई दिया, हमने राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, ये सारी चीजें हमने प्रूव्ड दी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का विजन क्या है? उनका विजन मात्र एक टेलीविजन है। टेलीविजन पर वो लोग तमाम तरीके की बातें उस तरीके से कूदते हैं, कभी इस डाल से उस डाल, ये मुद्दा नहीं चला, दूसरा चला लो, दूसरा नहीं चला, तीसरा चला दो, तीसरा नहीं चला, चौथा चला दो। आज किसान पूछ रहा है कि भाई मेरी आय दुगनी हुई या नहीं हुई, खर्च 4 गुना हो गया है, किसान सड़क पर बैठा हुआ है। आपके सामने है 1,30,00,000 बच्चे युवा जो है सड़क पर है, उनकी भर्ती परीक्षा निरस्त 80 लाख की हो चुकी है और 50 लाख की होनी चाहिए क्योंकि उसका भी पेपर लीक हुआ है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। 29 लाख पद जो है इस समय पूरे केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों में खाली पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी नीति में। ये लोग राजस्थान से जिस तरीके से नौकरियां इन्होंने छीनी है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश से नौकरियां छीनी है, जहां जहां इनकी सरकार आई है वहां दी हुई छीन रहे हैं। तो युवा भी परेशान है, किसान भी परेशान है, और हम उनको रोजगार परक विकास और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कर रहे हैं। और एक आखिरी बात, कल तक ये कह रहे थे हमसे कि साहब आपका गठबंधन कहां है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, छिन्न हो गया, भिन्न हो गया। आज की डेट में समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन सील हो गया, आप पार्टी के साथ सील हो गया, 2 दिन के अंदर जो है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से सील हो जाएगा गठबंधन। आपके सामने है, हम अपने सारे गठबंधन को अगले 2-3 दिन में फाइनल करके 3 तारीख को पटना में एक महारैली करेंगे, जहां पे हमारा पूरा विजन इंडिया का आपके सामने रखा होगा कि कैसे हम रोजगार देंगे, जैसे तेजस्वी ने रोजगार दिए हैं, तेजस्वी यादव ने बिहार में, वैसे हम रोजगार देने का शुरुआत करेंगे। तो लोग हमारे ऊपर भरोसा कर अपने मुख्यमंत्री तक का आप नाम नहीं ले रहे, उनके विजन और टेलीविजन पर किसी अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे, तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं नौकरियां बताने के लिए, ये भी दिलचस्प है सुरेंद्र जी। नहीं तो क्यों, एक बात बताइए ना अंजना जी, अगर मैं तेजस्वी यादव ने एक रिकॉर्ड बनाया है नौकरियां देने का, तो क्या उस शख्स की, उस बच्चे की, उस लड़के की और उस मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं होनी चाहिए? क्या बिहार के मुख्यमंत्री की इसलिए तारीफ नहीं होनी चाहिए कि अंजना जी या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती? लाइटर मोड पे कह रहा हूं, ठीक है ना? नहीं, आप नहीं, मुझे नहीं, ये नहीं। बता दीजिए, अगर उस शख्स ने 5 लाख के किसी मुख्यमंत्री की मिसाल देने का मौका नहीं है जिसपे नौकरियों पे आप मिसाल दे सके, ये अपने आप में एक स्पीकर रोकती है। वो भी क्योंकि आप अंजना जी पर खूब कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है आपको 1-2 क्लिक मिल जाएगा इससे सोशल मीडिया पर उलझुलू लिखने से। गुजरात बीजेपी ने शुरू की है राय जानने की प्रक्रिया, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पूछी जा रही है राय। लेकिन मेरा जो प्रश्न था ना, वो पॉलिटिकली स्ट्रांग क्वेश्चन है, और वो सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी क्या अपने किसी मुख्यमंत्री का उदाहरण नहीं पेश कर सकती नौकरियों के मामले में? और देखिए ना, आप 17 सीटों पर लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप देखिए अपनी स्थिति, 17 सीटें जिसमें से 1 सीट आपको आई थी 19 में, सिर्फ 3 पर आप नंबर 2 पर थे, लेकिन गठबंधन के नाम पर समाजवादी पार्टी ने आपको 17 सीटें दी है। जी मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट कहता हूं अंजना जी, हमारे मुख्यमंत्रियों के नाम इसलिए हम ले सकते हैं क्योंकि जो मुख्यमंत्री हमारे नए हैं अभी, उनको समय, चाहे रेवंत रेड्डी को हुआ हो, चाहे सिद्धरमैया साहब को हुआ हो, चाहे हिमाचल की सरकार को रहा हो, अभी समय 1 साल भी नहीं हुआ तीनों का। हाँ, अशोक गहलोत साहब ने जितनी रिकॉर्ड नौकरियां दी वो आपके सामने हैं, जितनी रिकॉर्ड, जितना कम जो था बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में थी वो आपके सामने है। वो चूंकि अब मुख्यमंत्री रहे नहीं इसलिए मैंने आपसे बात करी। आज की डेट में आप उठा लीजिए रिकॉर्ड अशोक गहलोत साहब का, कितनी नौकरियां दी, आप उठा लीजिए भूपेश बघेल साहब का, कितनी नौकरियां दी, आप उठा लीजिए 17 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल। लेकिन जब हमारे पास आज की डेट में हमारे लोकतंत्र को ही अपहरण किया जाता है,
हमारे लोगों की सरकार को ही छिन्न करके भिन्न करके ये जिस तरीके से चंडीगढ़ मॉडल है। प्रेम शुक्ला जी को कोई इम्पोर्टेंट कॉल आया होगा तभी शो पे बैठे हुए फोन उठा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। चलिए कोई बात नहीं, बात कर लीजिए। प्रेम शुक्ला जी को कॉल आया है इस वजह से कि आप अनुराग जी अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए ये जो गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश का, उससे लगता है आपको वाकई आप रथ रोक पाएंगे? पीएम तो अब थर्ड टर्म की तारीख बता रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस में ये लोग कि हर हाल में आपको हराएंगे और 370 और 400 पार के साथ हराएंगे। आपको पता है जब व्यक्ति डरा रहता है, जब पार्टी डरी होती है तो इस तरह का ही नारा देती है। हम डरे नहीं है, हम 400 पार करेंगे, हम दोबारा से सत्ता में आएंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं कहते उसको, उसको कहते हैं अंदर में धुकधुकी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के, ऊपर से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डरे नहीं है। अरे जनता का गठबंधन है, आप कहते हैं कॉन्फिडेंस विपक्ष के पास कहां से आई है, पूछिए ना, विपक्ष के पास कॉन्फिडेंस जनता का है, नौजवानों का है, महिलाओं का है, छात्रों का है, जिस किसानों का है, जो ये सभी लोग सरकार से पीड़ित हैं, जो सरकार चल रही है उसको, वो सरकार इनको दर्द दे रही है, वो दर्द से परेशान है, छुटकारा चाहते हैं। वो किसान देखिए धरने पे बैठा है, उनकी मौत हुई, क्या उन्हें दर्द नहीं है? छात्रों को लाठियों से पीटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, पर्चा लीक हो जाता है, उनको ऐसे दौड़ा रहे जैसे लगता है पकड़ पकड़ के शायद नौकरी देने वाले हैं, पुलिस लठ लेके पीछे पड़ी है, छात्र आगे भाग रहा है, ऐसा लग रहा है पकड़ेंगे उसको नौकरी देंगे, ये हालत बना रखी है। महिलाओं का तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्या महिलाओं के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है वो तो शायद ही कभी इस इतिहास में देखने को मिला होगा कि देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियों को जब न्याय मांगने के लिए रोड पर घसीटा जा सकता है तो आम महिलाओं के साथ क्या होता है, इस हमें कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कभी भी इस देश के अंदर में जो समाज के मुद्दे हैं, गठबंधन किस बात पे, समाजवादी कांग्रेस और दूसरे आम आदमी पार्टी का गठबंधन क्यों है? हमारी विचारधाराएं अलग हैं, हमारी पार्टियां अलग हैं, फिर हम एक साथ क्यों आए हैं? हम एक साथ इसलिए आए हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की जो किसान परेशान है, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी से लोगों की कमर टूटी हुई है, जो केस आपको देखने को मिला चंडीगढ़ में, जिस तरह से लूट तंत्र देखने को मिला लोकतंत्र की जगह, कैसे जिताया गया मेयर को, किससे छुपी हुई बात नहीं है, किस तरह से आपने देखा नैफ सिंह को गोली मार दी गई हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं बताइए आप, वहां पे इस तरह की गोली अगर किसी दूसरे प्रदेश में मार दी जाती किसी प्रदेश अध्यक्ष को तो किस तरह की हालत करते भारतीय जनता पार्टी, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और एक जगह एक घटना नहीं हो रही है, लगातार ये घटनाएं देखने को मिल रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन एक साथ आया है। तो आप सोच सकते हो आपसी कितने हमारे वैचारिक मतभेद हैं, फिर भी हम एक साथ क्यों? हिंदुस्तान सबसे पहले, दल व्यक्ति बाद में है, हम सब अपना फायदा नुकसान बाद में सोचते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान बचाना पहले जरूरी है। हिंदुस्तान के लोगों की जो परेशानियां हैं उससे हमें लोगों को दूर करना है, लोगों को उससे उभारना है। सरकार इनके बारे में, जनता के बारे में कहां सोच रही है? सरकार सत्ता के बारे में सोच रही है। सरकार को सत्ता चाहिए, किसी कीमत पर सत्ता चाहिए। भ्रष्टाचारियों को अपने पास ले आए और भ्रष्टाचारी जिन पर आरोप लगाते थे उनको अपने दल में शामिल कर ले, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जिनको ये उल्टा सीधा बोलते थे, चाहे आदरणीय हमारे नीतीश जी हो, उनको भी अपने साथ लें, कोई दिक्कत नहीं। सत्ता के भूखे, इसलिए मैं कह रहा हूं साइकिल और पंजे की ताकत बीजेपी के लिए है बनी आफत। बीजेपी में भय है, भय गठबंधन की जीत है तय। अरविंद जी मान के चलिए, अरविंद जी वो कह रहे हैं हिंदुस्तान को बचाने के लिए निकला है विपक्ष, वाजपेयी जी हिंदुस्तान को बचाने के लिए निकला है और दूसरी तरफ आप लोग सत्ता के लोग भी। अंजना जी अगर प्रवक्ताओं के अच्छे बोलने से वोट मिल जाए तो फिर तो सब ठीक हो जाए, वो नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। देखिए 14 में जब मोदी जी के पास कुछ नहीं था, गुजरात मॉडल के नाम पे 14 में जीते हैं, और अब तो 14 से जो 9 साल काम किए हैं वो जनता ने महसूस किए हैं, जनता के बीच में काम है, ऐसी क्रेडिबिलिटी नहीं बन जाती है, आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आ जाता है। आत्मविश्वास जब आता है जब आपने काम किया हो, तैयारी की हो। अभी राजपूत जी को मैं सुन रहा था, बहुत बढ़िया सज्जन है, बहुत बढ़िया हमारे भाई हैं, इन्होंने बड़ी चीजें गिनाई 60 साल की कांग्रेस की, लेकिन ये भूल गए कि जनता के दिलों में आज भी आपातकाल की याद घुसी हुई है बाकायदा, आज भी 84 के दंगे घुसे हुए हैं, आज भी हाशिमपुरा के दंगे घुसे हुए हैं, आज भी भागलपुरा के दंगे घुसे हुए हैं, आज भी आपके करप्शन का इतिहास घुसा हुआ है। कहां चले? जनता का विश्वास नहीं जगा पाए, सॉरी माफ करना, हमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरी तरफ 9 साल के जो काम है वो बोल रहे हैं, और ये रथ यात्रा जो निकल रही है, जो रथ भेजी है निकाल के आज नड्डा जी ने, उसमें इस 9 सालों में इस सरकार ने जो जो काम किए हैं
उसको जनता को दोबारा से रिमाइंड कराया जा रहा है, जबकि जनता उन चीजों को अच्छी तरीके से जानती है। अब छोटा सा देख लो ना जरा, 7,000 स्टार्टअप थे और अब कितने हो गए 1,11,000, 70 एयरपोर्ट थे अब कितने हो गए 146, 2 मोबाइल फैक्ट्री थी अब कितनी होगी 147, 186 मेडिकल कॉलेज थे अब कितने हो गए 700, 4 करोड़ मकान बना के दिए गरीबों को जिसकी रजिस्ट्री महिला के नाम होती है, जो महिला मुखिया होती है, 11 करोड़ जो शौचालय बने हैं वो महिला की इज्जत का सवाल था, ये किसने सोचा था ये चीजें। 37 किलोमीटर सड़क रोज बनाते हैं वो पहले कभी बनी है। उसके बाद 24 लाख करोड़ हाईवे के लिए अलॉट कर दिए, 65,000 करोड़ OROP के लिए कर दिए, 22,000 करोड़ आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए कर दिए, 10 लाख करोड़ यूरिया की सब्सिडी के लिए कर दी। मतलब हम ये कह रहे हैं ऐसी थोड़ी आत्मविश्वास आ जाएगा। और माफ करना, हमको सरकार बनाने के लिए सिर्फ 272-273 सीटें चाहिए, लेकिन टारगेट कितने का रखा हुआ है 400 के पार। तो ये टारगेट अचीव करेंगे और अचीव करने के पीछे ये है कि जनता मोदी की क्रेडिबिलिटी मानती है। हाँ। मोदी की गारंटी मानती है। मुलायम सिंह को मैं पर्सनली भी जानता था, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी साइकिल पे चला करते थे साइकिल पे, और आज की डेट में आपके परिवार के पास कम से कम 50,000 करोड़ की संपत्ति है, जनता देख रही है वो भी, और पूछती है बार बार ये कहां से आ गया, कौन सा काम किया आपने, क्या किया आपने, कहां से इतना पैसा बना लिया। तो ये जो भ्रष्टाचार का जाल बुना हुआ है ना, जो भ्रष्टाचार का टैग लगा हुआ है जो आप लोगों ने किया है जब जब सत्ता में रहे, उसकी वजह से जनता आपको फिर रिजेक्ट करने जा रही है, ये लिख लीजिए काली डायरी में। सुरेंद्र जी वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, जनता नेता की क्रेडिबिलिटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है उसका उसके मुकाबले कौन खड़ा है उस तरफ से। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा, मोदी जी की गारंटी है भय की, भ्रष्टाचार की, लूट की, छल की, कपट की, प्रपंच की, बेरोजगारों से रोजगार छीनने की, अग्निवीर की, महंगाई की। हरियाणा में नफे सिंह की हत्या में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के शामिल होने की, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके उस तरीके का जो दुराचार किया वो आपके सामने मैं बोल नहीं पाता हूं, उसके लिए माफ कीजिए, उसकी गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी हाथरस की गारंटी, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पेपर लीक की गारंटी है, नरेंद्र मोदी जी की इलाहाबाद में आरोपी परीक्षा की पेपर लीक, 80 लाख पुलिस भर्ती की परीक्षा लीक की नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। ये बिल्कुल सच कहा आपने, और वाजपेयी जी ने तो बड़ा बढ़िया कहा एक बात को कि भाई हम तो इमरजेंसी के लिए, सच बात है गलत हुआ था, हमने माफी भी मांगी थी, लेकिन एक बड़ा पुराना सा शेर है वाजपेयी जी कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, और उस पर जाने क्या क्या गुजरी जिसने शेर हजार कहे। हमारी तो एक साल की क्या नाम इमरजेंसी की आप बात कर रहे हो, इसकी 10 साल की इमरजेंसी का जवाब लेना है। हाँ, कमी सिर्फ इतनी सी है कि उस वक्त ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो था वो एक अलग किस्म का था, विपक्ष का साथ देता था। अंजना जी मैं फिर कह दूं, मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आज तक के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे सोशल मीडिया का कोई शौक नहीं है, लेकिन सच बोलना पड़ेगा। आज की डेट में अगर मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के झूठ को, छल को, कपट को बचाता है, छुपाता है, और विपक्ष के लोगों की कमियों को उधेड़ता है। विपक्ष का काम तो हमने भी पढ़ा था कहीं किसी जगह पे पत्रकारिता कुछ किताबों में कि स्थायी विपक्ष पत्रकार होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो गारंटी जिस दिन आप लोग करने लग गए, आप कर रहे हो आज की डेट में, उस दिन से चाहे वो परीक्षा की आपने फेल होने का दिखाया हो, लोग सड़क पर हैं। नफे सिंह की हत्या आपने सुरेंद्र जी आपने कही, मुझे डबल इंजन पूरी ह्यूमिलिटी के साथ एक प्रश्न है आपसे, काउंटर क्वेश्चन है, मैं भी बहुत ही साफ मन से आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, जो तमाम आरोप आपने गढ़े मढ़े, कुछ सही कुछ अपने मन के, इसका राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता से क्या लेना देना है वो बताता हूँ मैं आपसे। राहुल गांधी जी की नेतृत्व क्षमता तो अंजना जी जब वो राहुल जी नेतृत्व करेंगे तब सामने आएगी ना। हमारे पास हमारा सिस्टम एक यात्रा तो वही निकाल रहा है, राहुल गांधी जी का नेतृत्व उन्होंने, भाई आप जब आपने पूरी ह्यूमिलिटी से और ईमानदारी से क्वेश्चन किया तो 30 सेकंड मुझे दे दीजिए प्लीज। मैं आपसे बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, हम जानते हैं कि वो नेतृत्व करता है इसीलिए वो यात्रा निकाल रहे हैं।
हमारे वो उन सारे लीडरों में से सर्वोच्च हैं या उनके साथ जैसे खड़गे साहब हैं या बाकी सब लोग लीडर हैं, हमें सबकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा है। लेकिन देश तो तभी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा करेगा ना जब वो प्रधानमंत्री के पद पर आएंगे या किसी अन्य पद पर आएंगे। नरेंद्र मोदी जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे किसको उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा था, आप मुझे बताइए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, अब जवाब दीजिए। यही मीडिया है, मैं जो आरोप लग रहा है वो ये है कि लोकतंत्र में डर और भय के इंजेक्शन से आप काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लोकतंत्र में आपने डर और भय से अपने आप को इतना बड़ा बना लिया है। देखिए, भ्रष्टाचारियों को तो डरना ही चाहिए, जिहादियों को तो डरना ही चाहिए। संकट यह था कि 2004 से 14 के बीच में इस देश का आम नागरिक डरता था, 26/11 जैसी घटनाएं हो जाती थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह एयरफोर्स का चीफ आकर कहता था कि मैं कराची पे आतंकवादियों के जिहादियों के कमांड सेंटर पर अटैक कर दूंगा, लेकिन उनका साहस नहीं होता था। संकट मोचन पर हमला हो जाता था, रघुनाथ मंदिर पर हमला हो जाता था, सिद्धि विनायक खतरे में आ जाते थे, माता महालक्ष्मी खतरे में आ जाती थी, रामलला पर हमला हो जाता था, हाईकोर्ट पर हमला हो जाता था, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं। हेमराज का जो है सिर काट कर जो है ले जाया जाता था, पाकिस्तान के लोग ले जाते थे और श्रीमान ए के एंटनी कहते थे, तत्कालीन रक्षा मंत्री कांग्रेस के, कि वो नॉन स्टेट एक्टर ने किया है। संसद में खड़े होकर श्रीमान रक्षा मंत्री कहते थे कि हमको चीन के सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है क्योंकि इससे चीन नाराज हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में आज भी यात्रा निकालने की हिम्मत श्रीमान राहुल गांधी की इसलिए नहीं बनती क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदे मिलते हैं। इन्होंने 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि एक बार और 4,000 वर्ग किलोमीटर भूमि एक बार जो चीन को सरेंडर कर दिया, जोरावर किला 2004 से 14 के बीच में सरेंडर कर दिया। तो भय भूख की तो ये दशा थी, 12,00,000 करोड़ रुपए लूट लिए गए। फ्रेजाइल 5 इस इकोनॉमी को कहा जाता था, आज जो हम टॉप 5 इकोनॉमी है जो 11वीं से 5वीं पे चले आए इसी को फ्रेजाइल 5 कहा जाता था। और मीडिया में अकेले भारत के नहीं पूरी दुनिया के, और ये कह रहे हैं कि तब की मीडिया बहुत अच्छी थी। श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने आपातकाल के बाद कहा था कि जब मीडिया से कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने कहा आप बैठ जाइए तो लेट गए थे। सारे डीएम जो हैं वो कौन से अखबार में क्या शीर्षक प्रकाशित होगा यह तय किया था। वीएस नायपॉल से पूछ लीजिए, उन्होंने उस जमाने वीएस नायपॉल ने लिखा, नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल ने लिखा, भारत में मीडिया मुनीमी कर रही थी, ये दशा थी। और आज की मीडिया जो हर विषय पर, अंजना जी आप मुझसे कौन सा सवाल पूछने में संकोच करती है, आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कौन सा सवाल पूछने में संकोच किया, आपके कॉन्क्लेव में नरेंद्र मोदी जी से कौन सा सवाल पूछने में आपको डर लग गया, जरा मुझे बता दीजिए किस सवाल में डर लगता है जी। ये स्थिति भी मैंने देखी है कि तमाम ओबी वैन लगे होते थे और ओबी वैन लगने के बाद हसन अली पर मेरी उपस्थिति में राम जेठमलानी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया ने एक समाचार नहीं दिखाया था हसन अली के काले धन पर। समाचार दिखाने से 2011 की मीडिया को कांपते हुए मैंने देखा है, हसन अली का टेप जिसमें जो है हसन अली ने इसका खुलासा किया था कि अहमद पटेल ने सोनिया गांधी के कहने पर हसन गफूर की नियुक्ति मुंबई के कमिश्नर पद पर की और हसन गफूर जो है 26/11 के हमले के समय वो कमांड सेंटर तक में नहीं गए पुलिस के, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है कि आतंकी हमला हो जाए तो कमिश्नर कमांड सेंटर में जाएगा, वो कमांड सेंटर तक में नहीं गए। ये बाकायदा जो है तत्कालीन जो उस पर जांच समिति बैठी उसकी रिपोर्ट में भी कहा गया, जब हसन अली का ये टेप आया एक मीडिया हाउस, आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, उसके संपादक ने ये दिखा दिया टेप, उसको निकाल दिया गया, ये दशा थी। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किससे ये बातें कर रहे हैं? अब आपने कहा कि टेलीविजन पर ही श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त का राशन जो है वो सिर्फ टीवी पे मिल रहा है, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ सिर्फ टीवी पे मिल रहा है, 45 करोड़ को मुद्रा योजना का लाभ सिर्फ टीवी पे मिल रहा है, 11 करोड़ शौचालय सिर्फ टीवी पे मिल रहे हैं, 10 करोड़ लोगों को रसोई गैस से मुक्ति सिर्फ टीवी पे मिली, 2.5 करोड़ लोगों को मुफ्त की बिजली का कनेक्शन सिर्फ टीवी पे मिला, 13.5 करोड़ लोगों के हर घर नल से जल सिर्फ टीवी पर मिला। ठीक है शुक्ला, अरे साहब
आपके यहाँ 34 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में गए। अब ठीक है, अगर 85% राजीव गांधी की योजना जवाब भी सुनिए, इतना इमोशनल सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। और चूंकि आप शायरी की भाषा बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि धूल चेहरे पे थी आईना पोछता रहा? कहते हैं ना कि जमीर बोलता है, आसमान बोलता है और मेरे मुंह से पर्वत दिगार बोलता है, और उसके जबान कतरना बड़ा जरूरी है। वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। प्रेम शुक्ला जी ने कुछ और सीखा हो ना सीखा हो नरेंद्र मोदी जी से, मैं इनकी सीखने की परंपरा को प्रणाम करता हूं। इन्होंने झूठ बोलना इतना शानदार सीखा है कि मैं क्या बताऊं, हर चीज में झूठ, हर चीज में झूठ। मोदी जी को भी मारती है आदरणीय हमारे भाई प्रेम शुक्ला जी। जी ठीक है ना, पहली चीज तो देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, थोड़ा सा बीच में नहीं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपको बताऊं शुक्ला जी, ठीक है, मैं जवाब देने मौका दूंगी इनको, बोल लेने दीजिए। मैं आपसे बताऊं, प्रेम शुक्ला जी और नरेंद्र मोदी जी को एयर चीफ मार्शल कहने आए थे कि भाई वो वहां में एक्सटर्नल अफेयर्स में और डिफेंस में मैं अपनी सीमा से ज्यादा नहीं जा। लेफ्ट ने वायनाड के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है, ये खबर इस वक्त आपको बता दें। एनी राज होंगे वायनाड से सीपीआई के उम्मीदवार, ये कैसा गठबंधन है? अमेठी पिछली बार 2019 में हारी गए थे राहुल गांधी, वायनाड वो बड़ी मार्जिन से जीते थे और वहां पर लेफ्ट ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। सीपीआई की तरफ से 4 सीटों के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया गया है सीपीआई की तरफ से, जिसमें एक वायनाड है। और यही लेफ्ट पार्टीज के साथ जो घनिष्ठता राहुल गांधी की दिख रही थी, उसकी वजह से ममता बनर्जी वहां पश्चिम बंगाल में नाराज हो गई। ये सिला मिला आपको सुरेंद्र जी? जी, इसका 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 भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। मैं सिर्फ एक लाइन की बात और कह दूं, ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा प्रेम शुक्ला जी से। पिछले 10 साल में अगर प्रधानमंत्री जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग दिखा पाए, कोई उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ रेंस आप लोगों के तीखे सवालों के, स्क्रिप्टेड सवालों के नहीं, तीखे सवालों के अगर जवाब दिए हो किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हो, तो मैं प्रेम शुक्ला जी से कहूंगा कि साहब वो दे दें ताकि मेरे भी ज्ञान में वर्धन हो जाए। सच बात यह है प्रेम शुक्ला जी, हम लोग डेमोक्रेट लोग हैं, अगर हमारे यहां पर इमरजेंसी लगी तो हमने क्षमा भी मांगी, ठीक है ना, हमने गलती की तो हमने क्षमा भी मांगी, और हमने अच्छे काम किए तो लोगों के सामने रखे, आज लोगों का जीवन सुधरा हुआ है उस चीज से। आपने जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, किसी के भ्रष्टाचार के प्रमाण में आज तक, अगर कोयला घोटाला हुआ तो सिर्फ दिलीप रेज गए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गए हैं, उसके अलावा आपने 2G 3G जीजाजी पता नहीं क्या क्या कहते रहते थे। आज की डेट में आप लोगों के पास कुछ भी जिसको कह सकते हैं कहने के लिए नहीं है, तो आपने हाथ मिला लिया यहां तक। कोयला घोटाले का आरोप लगाने वाले से तो आपने दिल्ली में हाथ मिला लिया। हाँ मिलाया ना, इन लोगों को तो सिर्फ फायदा हुआ उसका, आरोप को कोई और लगा रहा है। कोयला घोटाले खाली उस एक मिनट अंजना जी, आपको बताऊं, खाली आरोप वही नहीं लगा रहे थे, वो तो हमारे साथी हो गए, आरोप तो सभी लोग लगा रहे थे, जिसमें आप भी और हम भी, सभी लोग, मतलब तमाम लोग शामिल थे। एक बार वायनाड पे आ जाते हैं, वायनाड पे आ जाते हैं सुरेंद्र जी, एक बार वायनाड पे आ जाइए। सीपीआई ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, ये सिला मिला है। हाँ वायनाड पे भी जैसे जी जी हम आपको नहीं, ये सिला की बात नहीं है, ये हमारी हो सकता है कि आपको रणनीति का हिस्सा हो, जैसे हम लोग पंजाब में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं उसी तरीके से हम केरल में भी आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम नंबर एक और नंबर दो की पार्टी, क्या नाम, पंजाब में आप और हम हैं, तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी को हम स्पेस क्यों दें? उसी तरीके से केरल में एक नंबर का यूडीएफ और 2 नंबर का एलडीएफ है गठबंधन में, लोकसभा के इलेक्शन के हिसाब से 19 सीटें हमने जीती हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी को वहां ओपोजिशन का स्पेस क्यों दें? हम आपस में लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। तो ये इसको लेकर के मीडिया को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मीडिया इस वक्त परेशान ये जरूर हो कि 1,30,00,000 बच्चों का अधर में भविष्य है, नफे सिंह जैसी, आपको मालूम है AK-47 जैसी गोलियां चली हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का नाम आ रहा है, किसी और का नाम आ रहा होता हरियाणा में अंजना जी, तो यकीन मानिए बहसें भर गई होती इस वक्त। तो आज जिस तरीके की भाषा का प्रयोग विषयांतर करने के लिए आदरणीय प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं, अगर ये मुख्य मुद्दों पर रहे और ये बताएं कि किसान की आय दुगनी हुई या नहीं, फिर मैं दोनों किसान के एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं, अरविंद जी आ रही हूं, ठीक है जी, मिस्टर शुक्ला
देखिए मुझे नहीं पता कि आज तक जो है स्क्रिप्टेड प्रश्न पूछता है कि नहीं पूछता है। आरोप इन्होंने स्क्रिप्टेड प्रश्न का आज तक पर लगाया। अरे वो आज तक जाने की स्क्रिप्टेड को बार बार अलग करके वो आरोप लगा रहे हैं, तो आप आज तक के क्रीज पे आके बैटिंग मत कीजिए, आगे बढ़िए। स्क्रिप्टेड नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने कि स्क्रिप्टेड प्रश्न, मैंने बाकी सारे चैनल जो है स्क्रिप्टेड प्रश्न पूछते सिर्फ आज तक रह गया, ऐसा इनका कहना है। जिस चैनल पे होते वो स्क्रिप्टेड नहीं पूछता, शागिफ़ बाकी सारे लोग पूछते, ये इनका कहना है। एक आप इन्होंने मुझसे कहा कि मैं झूठ बोलता हूँ। साहब बताइए, आपातकाल के दौरान जो है जो मीडिया को अखबारों का शीर्षक डीएम तय करता था, ये झूठ है? श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मीडिया को बैठने के लिए कहा लेट गई, ये झूठ है? इसके अलावा और कैसे लेटा जाता है, ये झूठ है? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है, ये झूठ है? 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला, ये झूठ है? आप सारे 13 करोड़ लोगों को जो है 13.5 करोड़ लोगों, अब बीच में बोल रहे साहब, अब फिर बीच में नहीं, बीच में नहीं सुरेंद्र, तो अभी तक आप मुझे प्रवचन दे रहे थे 13.5 करोड़ लोगों को हर घर नल से जल मिला, ये झूठ है? 11 करोड़ शौचालय बने, ये झूठ है? 2.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन मिले, ये झूठ है? मैंने एक भी झूठ नहीं बोला है, और आपके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ शेष नहीं है। केरल में आप रणनीतिक तौर पर गठबंधन कर रहे हैं, वाह, आप बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कोई आरोप ही नहीं लगाया, वो तो हमारे मित्र हो गए साहब। आम आदमी पार्टी को अभी आप सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही गुजरात चुनाव के समय नहीं अंजना जी के शो में आप कहते थे कि आम आदमी पार्टी हमारी बी टीम है, तो आप स्वीकारिए कि आप झूठे थे तब आप, कि या तो आजाद झूठ बोल रहे हैं या तो तब झूठ बोल रहे थे आप, यह भी स्पष्ट कर दीजिए। और जो है कॉमनवेल्थ घोटाले का आरोप जब लग रहा था तो ये झूठा था, और आप जब आम आदमी पार्टी को आपके संदीप दीक्षित, आपके अजय माकन, उनको शराब घोटाले का घोटालेबाज कह के अरविंद केजरीवाल को जेल भेजो बोल रहे थे, तो झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं? तो झूठ बोलना और झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट को कोट करके झूठ बोलकर कान पकड़कर माफी मांगना, ये अगर किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कार्य किया है तो आपके श्रीमान राहुल गांधी हैं जो रफाल मामले में सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से उद्धृत करके झूठ बोला और कान पकड़कर माफी मांगी। तो साहब सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे तो आपकी पार्टी के युवराज हैं, आप दूसरों को झूठा कह रहे हैं। क्योंकि आपकी पार्टी पर इतना बड़ा आरोप है इसलिए सुरेंद्र जी छोटा सा जवाब, बाकी दोनों बस इंतजार ही कर रहे हैं तब से। सुरेंद्र जी दो लाइन का जवाब। नहीं, मैं अंजना जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में, और मुझे अफसोस है इस बात का कि आज भी ये भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस को सामने रख करके अपने आप को विपक्ष में मान करके इतने गलत और मिथ्या प्रचार करते हैं कि हम क्या बताएं। आज की डेट में ये नहीं बता पाते हैं कि हमने नोटबंदी क्यों की, नोटबंदी से आतंकवाद क्यों नहीं खत्म हुआ। ये आज की डेट में ये भी नहीं बता पाते हैं कि चीन की सीमा पर किस तरीके से जो अतिक्रमण हुआ है, और ये भी नहीं बता पाते हैं कि मणिपुर में महिलाओं को जिस तरीके से नग्न करके प्रदर्शन किया जा रहा है वो क्या है। ये भी नहीं बता पाते हैं कि इनका पर्चा लीक, ये लीक सेवा आयोग क्यों हो जाता है। ये भी नहीं बता पाते हैं कि अग्निपथ की योजना जब आर्मी के जर्नल्स जो है मना करते हैं तो ये योजनाएं क्यों लाते हैं। ये भी नहीं बता पाते हैं कि 20-20 बार चीनी राष्ट्रपति को झूला झुलाते और चाय क्यों पिलाते हैं। ये बिल्कुल कुछ नहीं बता पाते। ये डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के और चीन रखे राष्ट्रपति तक कि चाटुकारिता क्यों करते हैं, बिल्कुल नहीं बता पाते। हाँ, विपक्ष के ऊपर आरोप लगा करके ये लोग जो हैं अपनी सत्ता को संभालना चाहते हैं, अब नहीं चलेगा। 10 साल के बाद भी विपक्ष पर आरोप, ये कितना फायदा पहुंचाएगा? और साथ ही अगला प्रश्न ये कि ये मुद्दे तो जनता को समझना है ना। आप किसी पत्रकार से पूछ लो, किसी मीडिया हाउस से पूछ लो, किसी पॉलिटिकल लीडर से पूछ लो, सोशल मीडिया में इनको ज्यादा यकीन है उनकी तरफ देख लो, कोई ये नहीं कह रहा कि मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कोई इस बात की डिबेट नहीं कर रहा कि मोदी दोबारा 24 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो सबको यकीन हो चुका है पूरी तरीके से कि मोदी 2024 में बाकायदा आ रहे हैं। बहस इस बात की हो रही है क्या 400 पार कर पाएंगे, क्या 370 पार होगा, इस बात की बहस हो रही है। और ये क्यों हो रहा है, इसका भी कारण है। पिछले 9 साल से विपक्ष टीवी पर चिल्ला रहा है लेकिन कोई आरोप इनका टिका है? किसी आरोप में कोई जरा सा भी तथ्य ये लोग प्रूव कर पाए हैं, या कोई आरोप इनका जनता के बीच में गया है? राफेल में बड़े जहाज उन्होंने उड़ाए थे, बना बना के टीवी पर भी उड़ाते थे,
ग्राउंड पे भी इन्होंने जहाज बना के क्या हुआ राफेल का, कुछ है इनको पता था? फिर उसके बाद पेगासस पे क्या हुआ, बड़ा शोर मचाया, मोबाइल तक नहीं दिया इन्होंने। फिर अडानी पे क्या हुआ, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई जी, इंटरनेशनल मीडिया में छप गया, वो 20,000 करोड़ का है और ये इनका यार है फलाना ढिमकाना, क्या हुआ उसका? ओआरओपी पे क्या हुआ, बड़ा शोर मचाया इन्होंने, क्या बना उसका? उसके बाद किसान बिल पे भी बड़ा शोर मचाया था, पूरी सपोर्ट करी, क्या हुआ उसका? मैं ये कह रहा हूं कि इनके पास हमारे खिलाफ कहीं कुछ नहीं है, और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत इसलिए, ना हम लोग भ्रष्टाचार करते हैं, ना हम लोग दाएं बाएं की बात करते हैं, ना लटकाते हैं, ना भटकाते हैं, ना अटकाते हैं, और जो उद्घाटन करेंगे अपने सामने ही उसका, जिसका शिलान्यास 4 साल पहले किया, वो 4 साल बाद डेट है तो वो लागू हो जाएगा। कितने एम्स बन चुके हैं अभी तक, मतलब ये जनता देख रही है, और वेलफेयर स्कीम्स का तो मतलब सवाल ही हमारे पास नहीं है, और ये तो राम नाम के उद्घाटन में भी नहीं जाते हैं। और अब इन्होंने लेटेस्ट क्या किया है, जजिया लगा दिया है क्या? जजिया वर्ड ज्यादा बेटर है, हिंदू टेम्पल्स में जो अभी लगाया बिल लेके आए हैं, वो बिल अभी गिर गया है इनका, लेकिन वो बिल ये लेके आए हैं कांग्रेस की जहां गवर्नमेंट है। इन चीजों का जवाब जनता को चाहिए, अनुराग जी, जनता को इनको जवाब देना, हमने नहीं देना। हमने तो ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो ये बता रहे हैं कि 3-4 जो बड़ा चैलेंज है विपक्ष के लिए, उसमें नंबर एक पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, लेकिन दूसरे नंबर पर इनके लाभार्थी स्कीम्स हैं, जो लाभार्थी, और जब पिछले बार उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हुआ था, बाद में एनालिसिस में पता चला कि उज्ज्वला स्कीम के तहत जो परिवार आ रहे थे उन्होंने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया, और वो एक बड़ी वजह बनी उनकी जीत की। तो जो वो मुफ्त राशन दे रहे हैं गरीबों को, या फिर अन्य योजनाएं हैं, जो लाभार्थी हैं, वो तो इन सबसे दूर है ना, कि ये फला आरोप और चिला आरोप उनको इनसे लेना देना नहीं है, वो उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है, वही उनकी हार की वजह बनने जा रहा है। जिसको अभी भारतीय जनता पार्टी के 80 करोड़ लोगों को कह रहे थे हमने अनाज दिया है, वो 80 करोड़ लोग सम्मान से जीना चाहते थे, जिनको रोजगार देना चाहिए था, आपने रोजगार नहीं दिया, उनको आप अपाहिज बनाना चाहते हैं, आप चाहते नहीं हो अपने पैर पे खड़े हो पाए, अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाए। 11 करोड़ शौचालय की बात करते हैं, कभी इनसे पूछेगा गांव में चले जाएंगे जहां पे शौचालय है तो दीवार है तो वहां पे नल नहीं है, उसके नल है तो उसमें बैठने की जगह नहीं है, ये हालत शौचालय की है। और जहां तक पीएम आवास की बात कर रहे हैं, जाके देख लें कि बूढ़ी दादी मां से 30,000 रुपए ले रहे हैं पीएम आवास देने के लिए, तो कौन सी योजना की बात कर रहे हैं? जहां तक हर घर जल की बात कर रहे हैं, जाके गांव में देखिए रास्ते खुदे पड़े हैं, जो पाइप आपने डाला वो फट जाता है, पानी जो आपने जो पानी का वहां पाइप बिछाया हुआ है वो घर के सामने से निकल के जाता है, घर के अंदर नहीं है, घर के सामने है। अब घर की औरतें बाहर, घर के बाहर जाके तो नल पानी भरेंगी नहीं, ये तो आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर में। तो आप बताइए, उज्ज्वला योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना में 500 रुपए की आपने बात की थी, 1,000-1,000 रुपए का महिलाओं ने सिलेंडर खरीदा है, तब कहां थे आप? तो आपकी कोई योजना जो देश के हितकारी नहीं है, ये आपको आपका राजनीतिक हित आप साधने की कोशिश करते हो, उससे फायदा नहीं पहुंचाते आप। आपको वो लोग, वो जनता समझ रही है, जिनको आप 80 करोड़ लोगों के लिए आप बोल रहे हो, आप वो समझ गए हैं कि ये जो हमें 5 किलो चावल आटा देना चाहते हैं, ये चूंकि मुझे पैरों पर नहीं खड़ा करना चाहते, इसलिए इस पूरे संपूर्ण जनता ने, अरे रोजगार तो छात्र मांग रहे हैं ना, दीजिए ना आप रोजगार, क्यों नहीं देते? तब तो पर्चा लीक हो जाता, लाठियां भाजते हो उनके ऊपर में, महिला सम्मान मांग रही ना, दीजिए ना महिलाओं को सम्मान, तब तो महिलाओं को आप सम्मान कर नहीं पाते, तब तो महिलाओं के बारे में आप शब्द भी नहीं बोलते। इसलिए ये सारे किसान जिनकी आप बातें करते थे, वही किसान की मौत हो रही है। आप बताइए अंजना जी, राजस्थान में दलित मजदूर का बेटा आईआईटी पास करता है, इनके भ्रष्टाचार से परेशान होकर सुसाइड कर लेता है, इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? वो बेचारा अधिकारी बनता है आईआईटी पास करने के बाद, इतना भ्रष्टाचार इनके सिस्टम में वहां भारतीय जनता पार्टी के, बेचारा लिख के चिट्ठी लिख के सुसाइड कर लेता है। और नवीन सिंह की तो आपने देखी सर, AK-47 से हत्या होती है, क्या इनके पास कोई जवाब है? नहीं है कोई जवाब, ये सिर्फ हमें सिर्फ इनको सत्ता पाई है किसी कीमत पे। अंजना जी, हरियाणा पर सुरेंद्र राजपूत जी ने भी सवाल पूछा, अनुराग जी ने भी पूछा, सीबीआई को जांच सौंपने से नहीं होगा, दिन दहाड़े इस तरह की हत्या हुई है। गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को पोस्टर बॉय बनाने वाले महिलाओं की रक्षा पर भी बात करते हैं, जो अखिलेश यादव इतनी अभद्रता एक महिला पत्रकार से करते हैं कि आपके साथ बलात्कार तो नहीं हुआ ना, ये बलात्कार पर बात करते हैं, जो बुलंदशहर में बलात्कार होने के बाद आजम खान के बयान पर सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेता है कि आप कैसी अभद्रतापूर्ण बयान देते हो, बलात्कार पर बात करते हैं। गजब है साहब, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आजकल यूपी में चलता है, हर जिला समाजवादी पार्टी कार्यकाल में वन डिस्ट्रिक्ट वन गुंडा था, हर जिले में एक गुंडा खड़ा हो गया था। तो वो विपक्ष की पुरानी बातें याद कराएंगे, जैसा प्रेम शुक्ला जी भी करा रहे हैं काफी देर से, और इन सब के बीच
गारंटी वाला रथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी की तरफ से निकल गया है। राहुल गांधी उधर यात्रा कर रहे हैं। इसी पर आप देख रहे थे बहस, देखते रहिए आज तक।